ऑल इंडिया टेनिस संघ के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट मेंस एंड वुमेंस एक एक लाख की इनामी राशि वाला रखा गया था। यह टूर्नामेंट अत्यंत प्राचीन है और 1937 से यह टूर्नामेंट हो रहा है और इसका रिवाइवल जो है 2010 में फिर से हुआ। और इस टूर्नामेंट में जो ट्रॉफी दी जाती है वो 1937 की ट्रॉफी है, यानी हमारे आज़ादी से भी 10 साल पहले की। इसलिए इस टूर्नामेंट का सेंट्रल इंडिया का सबसे प्राचीन और बेहतरीन टेनिस टूर्नामेंट है, जिसमें तत्कालीन सारे चैंपियन खेले हुए थे, जिसमें रायपुर से भी एफएक्स सेंटियागो ने 1962 में विजेता का खिताब प्राप्त किया था और साथ ही साथ रियाजुल लतीफ ने भी दो बार इस टूर्नामेंट को जीता। वर्तमान में अभिजीत तिवारी ने 2010 में इस टूर्नामेंट को जीता और उसके बाद सिद्धार्थ विश्वकर्मा ने दो बार लगातार इस टूर्नामेंट को जीता छत्तीसगढ़ की ओर से खेलते हुए। और जब से इस टूर्नामेंट का रिवाइवल हुआ है 2010 से 2022 लगातार 12वें साल हमने इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन के द्वारा पिछले कई सालों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से अच्छे चुने हुए मांझे हुए खिलाड़ी आके भाग लेते हैं और यहाँ पे जो हम लोग क्लब के सदस्य और शहर के लोगों को बहुत ही अच्छा टेनिस टूर्नामेंट देखने को मिलता है। इस टूर्नामेंट को कराने का सारा श्रेय क्लब को तो है ही है, लेकिन एक ही पर्सन है श्री गुरचरण सिंह होरा, जो पूरा तरीके से इसमें इन्वॉल्व होकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं और हम लोग उनका साथ देते हैं और उनके मार्गदर्शन में ही ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले कई सालों से आयोजित हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से इस टूर्नामेंट को आने वाले सालों में भी हम लोग आयोजित करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी एक यहाँ पर करने का प्रयास करें।